और जमशेदपुर में घर छोड़ने के बहाने पिता के बिजनेस पार्टनर ने दो बहनों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दो दिन पहले खड़गपुर से घर पहुंचने के क्रम में बिष्टुपुर राजस्थान सदन के पास कार में छेड़खानी की। आरोपियों ने नाबालिग को उसकी मौसी के यहां छोड़ने के पहले धमकी दी कि यदि जानकारी किसी को दी तो वो उनके पिता को जान से मार देंगे। और इस बीच सड़क पर कार में छेड़खानी की गई। 19 जून को घटना की जानकारी सीडब्ल्यूसी को मिली है। 20 जून की शाम को नाबालिग के परिजनों ने जानकारी बिष्टुपुर पुलिस को दी है। बिजनेस पार्टनर से ओडिशा के मयूरभंज निवासी राजेश कुमार शर्मा उर्फ राजू शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इधर पॉक्सो एक्ट के नियम के खिलाफ पुलिस ने जांच के नाम पर दोनों बहनों को रात 9:45 बजे तक बैठा कर रखा। रात में थाना में नाबालिग से जांच करने की खबर मिलने पर सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की ने हस्तक्षेप किया है। तो पुलिस के रवैये पर भी इस दौरान सवाल उठे हैं। पुलिस ने रात 10 बजे तक बच्चियों से पूछताछ के लिए उन्हें वहां पर रखा। ऐसे में सीडब्ल्यूसी ने नाराजगी जताई है। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन ने नाराजगी जताई है और वो इसमें हस्तक्षेप भी करने वाली हैं। आखिर पुलिस ने ऐसा किसके कहने पे किया? तमाम नियमों को ताक पर रखकर पुलिस ने जो नियम है उसके खिलाफ जाते हुए बच्चियों को थाने में इतनी देर रात तक क्यों बैठाया गया, इसको लेकर सीडब्ल्यूसी खासी नाराज चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन दोनों बच्चियों को उनके पिता के ही पार्टनर ने घर छोड़ने के बहाने के साथ उसे साथ ले गए और उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। और किसी को भी घटना की पूरी जानकारी देने पर कहा है कि उनके पिता को जान से मार देने की भी बात कही है। ऐसे में जो बच्चियां वो काफी डरी थी, अपनी बातों को नहीं कह पा रही थी, लेकिन अब सीडब्ल्यूसी के पास ये बात पहुंची है और सीडब्ल्यूसी भी अब पुलिस की कार्यशैली पर बच्चियों को लगातार वहां देर रात तक बैठाकर पूछताछ करने को लेकर नाराजगी जताई है। चाइल्ड लाइन में किसी ने खबर किए थे कि दो बच्चियों के साथ में यौन शोषण हुआ है, तो इसकी जाँच के लिए हमने बच्चियों को रेस्क्यू किया जुगसलाई थाना द्वारा और फिर उसके बाद में बच्चियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में पता चला है कि बच्चियों को जो उनके पिता के ही दोस्त हैं वो बच्चियां उनके द्वारा ही यौन शोषण का शिकार हुई हैं। और अभी इस मामले में जब हम लोग ने काउंसलिंग की बच्चियों को, बच्चियां अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई थी डर की वजह से।